हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नम्रता और आज हम बनाने वाले हैं आलू की कचौड़ियाँ और उसके साथ हम बनाएंगे एकदम रेड कलर वाली आलू की टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए क्विकली इसे बनाते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बनाते हैं आलू की कचौड़ी और उसके साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी। सबसे पहले हम लगा लेते हैं कचौड़ी का आटा, क्योंकि जब तक हम सब्ज़ी बनाएंगे तब तक कचौड़ी का आटा जो है वो 10-15 मिनट रखा रहेगा और उससे ये बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कटोरी गेहूँ का आटा और आधा कटोरी ही मैदा, करीब 2 से 3 छोटे चम्मच सूजी और आधा चम्मच नमक। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच तेल और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे और आप इसे पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैदा डालना, लेकिन अगर आप थोड़ा मैदा डालेंगे तो कचौड़ियाँ और अच्छी बनेंगी। और सूजी को आप स्किप ना करें, क्योंकि सूजी से थोड़ा सा अच्छी क्रिस्पीनेस आती है कचौड़ी के अंदर, तो आप सूजी ज़रूर डालें, मैदा आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो अब ये आटा हमारा ऑलमोस्ट लग गया है, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल के एक बार अच्छे से और सॉफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि आटा अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कचौड़ी बनाने के लिए, इससे कचौड़ी फटेगी नहीं। इसे अब हम रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए, जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है। आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, 4 छोटे आलू हैं छोटे साइज़ के और 4 टमाटर, तो अच्छे रेड टमाटर लिए हैं जिससे अच्छा कलर आएगा सब्ज़ी में। और आजकल टमाटर वैसे ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अब चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आलू को तो हमें क्रश करके डालना है और टमाटर को हम बस बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने गरम कर लिया है तेल, 3 बड़े चम्मच तेल है और सरसों का तेल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहें तो रेगुलर रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो आप इसे सरसों के तेल में ही बनाएं। और इसमें जाएगा जीरा 1/2 चम्मच और जीरा डालते ही हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए टमाटर। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो जनरली जो कचौड़ी के साथ हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और 1/2 छोटे चम्मच से कम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक स्वाद के अनुसार। और जब हमारे टमाटर अभी थोड़े से गल जाएंगे फिर हम इसमें आलू डालेंगे, अभी हम आलू यहाँ पर नहीं डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके टमाटर को अच्छा गलने देते हैं, जब तक कि टमाटर गल के ग्रेवी फॉर्म ना कर दे। तो आप देख रहे होंगे अच्छा रेड कलर आ गया है सब्ज़ी में। तो आप देख रहे होंगे कि टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, एक थिक ग्रेवी फॉर्म हो गई है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं क्रश करके। तो यहाँ पर हाथ से डायरेक्टली आप कढ़ाई में इस तरह से क्रश करके आलू को डाल सकते हैं।
आप हरी मिर्च पसंद करें तो आप जीरा डालने के बाद हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हरी मिर्च मुँह में आती है तो कुछ हमारे घर में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे पानी। अब देख रहे होंगे ना अच्छा सा कलर आ गया एकदम बढ़िया वाला। और ये बहुत ही ज़्यादा वाली क्विक रेसिपी है। 10 मिनट में ये आराम से बन जाते हैं क्योंकि आलू उबले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्याज और लहसुन का यूज़ किया नहीं है कि कुछ हमें भूनना पड़े, तो बस फटाफट से बन जाती है और स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है इसका। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल के इसको करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छा बॉयल आने देंगे। सब्ज़ी हमारी एकदम तैयार है और इसमें अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। और इसे अब हम एक साइड में रख देते हैं और हम कचौड़ी के लिए आलू बना लेते हैं और फिर हम कचौड़ी फ्राई करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर जो आलू मैंने लिए हैं वो लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू और इसे हम स्पून से या हाथ से आप मैश करेंगे। इसको आप कद्दूकस में कसेंगे नहीं तो आलू में लस आ जाएगा और कचौड़ियाँ फट जाएंगी। और इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तो यहाँ पे मैं बहुत थोड़ी हरी मिर्च ले रही हूँ, एक हरी मिर्च मैंने बारीक काटी है, आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। यहाँ पे अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक, और इसमें अब हम डालेंगे सौंफ, पिसी हुई सौंफ, हरी मोटी वाली जो सौंफ है वो, थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, हींग यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में, मैंने 3 चुटकी करीब करीब हींग, भुना हुआ जीरा और पिसी खटाई यानी कि मैंगो पाउडर, जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है, अमचूर जिसे कहते हैं, वो डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच करीब करीब हरा धनिया डाल दिया और सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू अच्छे से मैश कर लेने हैं हमें और ये मसाला आलू सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर कहूँगी कि आप कद्दूकस ना करें क्योंकि आलू स्टिकी हो जाएंगे तो कचौड़ियाँ फट जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसलिए आपको बस चम्मच से मैश करना है आलू को और थोड़ा बड़ा बोल लें, मैंने यहाँ पर छोटा बोल लिया था, सारा कुछ वापस डाला दूसरे बोल में, बड़े बोल में ये अच्छे से मैश हो जाता है। तो बस ये रेडी है आलू और अब हम कचौड़ी बनाते हैं। सब्ज़ी तैयार है और आलू भी रेडी है कचौड़ी के, अब हम कचौड़ी बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोइयां निकाल लेते हैं आटे की और अब हम इसे बेलेंगे हल्का सा ऑयल लगा करके। फिर इसमें इस तरह से इसको गोल शेप देते हुए अंदर थोड़ी सी जगह बनाएंगे जिसमें हम आलू की फिलिंग करेंगे। अंदर हमें गड्ढा सा बनाना है और उसके अंदर हम आलू को भर के इसे प्रेस करेंगे और इसके साइड्स को दबा देंगे इस तरह से। और वापस से हल्का ऑयल लगा करके हम इसे बेलेंगे। ये कचौड़ी रेडी है। इसी तरह से हम बाकी की कचौड़ियाँ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कचौड़ी बेल ली है और अब हम इन्हें तल लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गरम कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे, फिर कचौड़ियाँ डालेंगे। एकदम गरम तेल में कचौड़ी नहीं डालेंगे। और इसके ऊपर धीरे धीरे ऑयल डालते जाएंगे, आराम से इसे धीमी आंच पे सेकेंगे जिससे कि कचौड़ी अंदर से अच्छी से सिक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो जितना आटा मैंने लिया है उसमें आराम से 8 से 10 कचौड़ियाँ बन जाएंगी। साइज़ वेरी करता है तो 8 या 10 आप बना सकते हैं आराम से।
और अब हम इसको पलटते हैं, पलट देते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छी सिक रही है। अभी इसे थोड़ा सा और रेड करेंगे हम। एक बार मैंने पहले भी दाल की कचौड़ी का वीडियो शेयर किया था, वो बहुत ही इंस्टेंट दाल की कचौड़ी, तो आप वहाँ से अगर दाल की कचौड़ी बनाना चाहें तो आप एक बार वीडियो देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो ये कचौड़ी हमारी रेडी है एकदम। इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप जल्दी ना करें और इसे इस तरह से आराम से निकाल लें। इसे ऐसा रेड कलर आने दें कचौड़ी के ऊपर। इसी तरह से हम बाकी कचौड़ियाँ भी तल लेते हैं। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तैयार हैं और अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो इनको हम सर्व करेंगे, पहले एक सब्जी निकालते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही अच्छी थिक भी है और अच्छा कलर भी आया है। और इसमें हम थोड़ा सा रायता बूंदी का, जो बहुत अच्छा लगता है कचौड़ी के साथ। और अब हम यहाँ पर ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सर्व कर लेते हैं। एक बार ज़रूर बनाएं आलू की कचौड़ियाँ घर पर, और ये बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में आलू की सब्ज़ी के साथ और रायते के साथ। इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये बहुत ही ऑसम टेस्ट देती है। तो डेफ़िनेटली आप इसे एक बार ज़रूर अपने घर पर बनाएं। और वीडियो आपको आज का पसंद आया हो तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।